मध्य प्रदेश की बात करें, मुसलमानों की जो आबादी है वो काफ़ी अच्छा खासा है और इसी सीट पर ज़्यादातर ओवैसी की नज़र होती है। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से मध्य प्रदेश की राजनीति में, चाहे वो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हुआ था उस वक्त भी उन्हें अच्छा खासा और उन्होंने प्रभाव भी डाला था और कई सीटों पर वो चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं कर रहे हैं। वो उनकी ऐसी ही सीटों पर नज़र है ज्योति जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी है। चुनावी बिगुल बज चुका है, लोकतंत्र का महापर्व जिसका लोगों को काफी समय से इंतजार था। कौन किस पर भारी पड़ेगा और इस चुनाव को लेकर कितनी सीटों पर कहां कहां चुनाव होने वाले हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर क्या कुछ देखने को मिलेगा और जो पार्टियां हैं उन्होंने भी अब अपनी कमर कस ली है। इसी सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सद्दाम। इनसे जानेंगे विश्लेषण के साथ कि आखिर चुनावों की तारीखों का जो ऐलान होने वाला है और उसके बाद जो कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण और भी सीटों को लेकर काफ़ी चीज़ें हैं, और अगर हम ओवैसी की बात करें तो ओवैसी को लेकर भी कहा जा रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में वो काफ़ी अपना जोर शोर से चुनावी बिगुल बजा रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा। लेकिन इससे पहले सद्दाम करीमी से जानते हैं। अब बिल्कुल ज्योति, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि चुनावी बिगुल बज गया और लोगों का यही एक इंतज़ार था कि जो ये लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है, वोटिंग का इंतज़ार होगा। लेकिन जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन ने जो तारीखों का ऐलान किया, वो आज हर किसी के जहन में था कि इसका तारीखों का ऐलान कब होगा। लेकिन जब जो वोट फैक्टर की अगर हम बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश की राजनीति हो या राजस्थान की राजनीति हो, चाहे वो मिजोरम की राजनीति हो या तेलंगाना की राजनीति हो या छत्तीसगढ़ की राजनीति हो, हमेशा से जो वोट बैंक रहा है, जो जिसको जाता रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, हर किसी को अपने वोट का कहीं ना कहीं फैक्टर याद रहता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मुसलमानों की जो आबादी है वो काफी अच्छा खासा है और इसी सीट पर ज्यादातर ओवैसी की नजर होती है। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से मध्य प्रदेश की राजनीति में, चाहे वो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हुआ था उस वक्त भी उन्हें अच्छा खासा और उन्होंने प्रभाव भी डाला था और कई सीटों पर वो चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं कर रहे हैं। वो उनकी ऐसी ही सीटों पर नजर है ज्योति जहां पर मुस्लिमों की आबादी है। इसको बड़ा समझना दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि राजस्थान में राजनीति और भी गर्म है, क्योंकि टोंक विधानसभा में वहां भी अच्छी खासी आबादी है और कम मार्जिन के साथ जहां पर चुनाव जीतते हैं वहां पर ओवैसी की नजर है। तो क्या जो मुस्लिम के वोट है, क्या उनको मुत्तहिद कर अपने पार्टी में वो जोड़ पाएंगे, इसको लेकर बड़ा सवाल है। लेकिन एक चीज तो साफ है, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वो जमीन पर काम कर रही है, वो लोगों को रिझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से जो है हमारे मुद्दे विधानसभा में नहीं उठाए जाते। अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लिए चलता हूं अपने दर्शकों को, अगर वो दिन मुझे याद आ रहा है जिस वक्त जो है मुसलमानों के जो विधानसभा में संख्या हुआ करता था वो ज्यादा हुआ करते थे, अगर आज की राजनीति में मध्य प्रदेश की विधानसभा में अगर हम जिक्र करें और वहां का एक कहीं ना कहीं जो मतलब सर्वे निकाले, तो अभी सिर्फ एक मुस्लिम विधायक विधानसभा में है। अब जरा बताइए ज्योति कि अगर इस तरह से विधानसभा में एक ही मुस्लिम की आबादी रहे तो कहां से आवाज उठाई जाएगी। चाहे वो राजस्थान में बात करें, राजस्थान में टोंक जो है बीजेपी मुस्लिमों को टिकट देकर वहां पर जो है साधने की कोशिश करते हैं, और कांग्रेस से एक बड़ा चेहरा जो बड़ा फैक्टर है वो सचिन पायलट है। अब ओवैसी के एंट्री होना वहां पर और जो ओपिनियन पोल आ रहा है, जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, चाहे वो एक्सिस में इंडिया का बात करूं, चाहे मैं चाणक्य टूडे की मैं बात करूं, तो तमाम जगहों पर यही फैक्टर दिखाई दे रहे हैं कि मुस्लिमों का जिसमें वोट जाएगा वही सत्ता पर काबिज हो पाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा जो जब जब राजनीति हुए हैं और जब जब चीजें हुई है तो इसको कहीं ना कहीं एक फैक्टर बनाया गया है। लेकिन ओवैसी का फैक्टर मध्य प्रदेश की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में, ज्यादातर इन्हीं दोनों राज्यों में इनके जो है नजर है, तो वो क्या कुछ होगा इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर और हम तमाम विश्लेषणों को आपके बीच लाकर हम बताएंगे, जनताओं के बीच जाके हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, वहां की जनता क्या सोच रही है, वहां के लोग किसे पसंद कर रहे हैं और ओवैसी को क्यों पसंद कर रहे हैं, इसको लेकर भी हम बताएंगे। बाकी ज्योति के पास चलते हैं, वो क्या कुछ नई जानकारी दे रही है। सदाम, मीडिया रिपोर्ट्स और ओपिनियन पोल काफी चीजें आ रही है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ओवैसी के एंट्री होने से वहां पर बीजेपी और जो कांग्रेस है उसको बड़ा धक्का लगने वाला है। लेकिन जिस तरह से नगर निगम चुनाव में ओवैसी ने जिस तरह से अपनी पार्टी की सीटों को जीत हासिल की थी वो वाकई देखने लायक थी और कई लोग इसको देखकर चौंके भी थे, क्योंकि जिस तरह से कम मार्जिन में उन्होंने इतनी सीटें जीती और लोग खुश हुए कि चलो अभी से ओवैसी इतनी सीटें जीत रहे हैं और अब तो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, वो भी मध्य प्रदेश में 15 सीटों पर उनकी नजर है, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर वो कितनी सीटें जीतकर आ पाएंगे, क्योंकि इससे पहले नगर निगम चुनाव
चुनाव में देखा गया कि दो सीटें ऐसी थी मध्य प्रदेश की जहां पर बीजेपी के मंत्री थे, बड़े मंत्री थे, और उनको किस तरह से ओबीसी की पार्टी ने हरा कर वहां पर अपना परचम लहराया था। बिल्कुल ज्योति, जिस मंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें कई बड़े चेहरे का नाम है, और जैसे कि अभी कांग्रेस में छोड़ के कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के दामन थामे हैं, वहां पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी इमेज रही है, कमलनाथ भी उनके पीछे नहीं छूटते हैं। लेकिन जब ओवैसी की एंट्री हुई है तो इन तमाम जो पार्टियां हैं उनकी घबराहट शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इनको क्या कुछ जो है मात देते हैं वहां पर, और क्या मुस्लिम का जो वोट है क्या ओवैसी को आकर कहीं ना कहीं वोट पड़ता है। तो जो 1500 तकरीबन वोट से जो वहां पर हराए थे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो समा परवीन हुआ करती है अभी भी, वो जो है मेयर है, और उसके बाद जो है कई ऐसे चेहरे हैं जहां पर उनको मात दिया गया है। अब विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या कुछ गुल खिलाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि जो चीज़ें हो रही है राजनीति में, और राजनीति में एक और एक दो नहीं होता है, 11 हो जाता है ज्योति, तो ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल सद्दाम, सर्दियाँ आने वाली है और इन सर्दियों में चुनावों की गर्मी काफ़ी तेज़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी से धीरे धीरे वो चुनावी सियासत शुरू हो चुकी है। लेकिन हम आप दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है, और आप किसको पसंद करते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।